आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार, आपका आभार, यूं ही बना रहे अपना प्यार। खालिस्तानियों का गढ़ कहे जाने वाले कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के झूठे आरोपों के बाद भारत ने भी जमकर पलटवार किया। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत सरकार के इन्वॉल्व होने के आरोप लगाए और वहीं अब उनके इस झूठे आरोपों को लेकर भारत के पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने उनकी क्लास लगा दी। पूर्व राजदूत दीपक वोहरा ने कहा कि ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं वो अस्वीकार्य हैं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उनका कहना है कि ट्रूडो ने जो किया है उसके बाद से वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए दीपक वोहरा ने कहा, जब मैं डिप्लोमेट हुआ करता था तब कनाडा उच्चायोग के एक अधिकारी ने मुझसे कहा था कि हम जानते हैं लेकिन मैच्योरिटी दिखाते हुए इस बात को बाहर नहीं आने देते, लेकिन ये आदमी बेवकूफ है। याद है जब वो 3 साल पहले भारत आए थे, अपने साथ कुछ खालिस्तानियों को साथ लेकर आए थे। वो बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं, विदेशी रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते। पूर्व राजनयिक ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए उससे कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कनाडा में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा मान है। इस आरोप के बाद कनाडा में उनका मान सम्मान, उनकी खुशियों पर असर पड़ेगा। वहीं कनाडा की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर शिंदर पोरेवाल का कहना है कि अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए ट्रूडो ने जानबूझकर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ट्रूडो के आरोप की अगर आप बात करें तो आज कनाडा की संसद का पहला दिन था। ट्रूडो के पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। उनकी लोकप्रियता तेजी से खत्म हो रही है। वो जगमीत सिंह के समर्थन से सत्ता में है। उन्होंने बिना किसी आधार के इस मुद्दे को उछाल दिया। आपको समझना होगा कि अगले चुनाव में वो जीत कर नहीं आने वाले। इसे लेकर कनाडा के एक पत्रकार और खालिस्तान आंदोलन पर किताब लिख रहे टेरी मिलेवस्की ने कहा, ट्रूडो पोल्स में अपने विपक्षियों से पिछड़ रहे हैं। G20 में उन्हें अलग थलग रहना पड़ा। खालिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहीं न कहीं उन्हें नीचा दिखाया, इसलिए अब वो पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत सरकार पर जो आरोप लगाए उसे साबित नहीं कर पाए तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कनाडा सरकार ने ये शुरू किया है, इसलिए यह वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। भारत ने तो प्रतिक्रिया में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को वापस कनाडा जाने का आदेश दे दिया है। ऐसे में कनाडा के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसे साबित करके दिखाए। कनाडा की सरकार को कोई ठोस सबूत लेकर आना होगा, नहीं तो ट्रूडो तबाह हो जाएंगे। बता दें, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित कर रखा था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। 18 जून 2023 में कनाडा के सूरे शहर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री भारत पर उंगली उठा रहे। संसद में उन्होंने ये बात कही कि सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच एक कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। वहीं बात को बढ़ाते हुए कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निष्कासित करने की घोषणा की। भारत ने कनाडा सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये आरोप बेतुके और मोटिवेटेड है। और जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत ने कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए 5 दिन का वक्त दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।